देहरादून से बड़ी खबर। कोटद्वार विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान माला नदी पर बने पुल ढह जाने की स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वासन दिया है कि किसी भी हाल में दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्र में जाकर ग्राउंड जीरो पर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए और आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागिलाल न्यूज चैनल। कोटद्वार वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रसन्न मोहन डबराल की जो मालन नदी के पुल के गिरने से मौत हुई है, उसके दोषियों को सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आज बातचीत हुई है और मैंने उनसे विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ मैंने उनसे वैकल्पिक मार्ग की भी का निवेदन किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोटद्वार और भाबर के बीच में आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है सिगड्डी में, जहां की हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको भी बहुत दिक्कत अपने सामान को ले जाने लाने में हो रही है। इसलिए मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें वैकल्पिक मार्ग अवश्य चाहिए। साथ ही साथ एक नए पुल की भी मांग मैंने की है, जो पुल हमारा कलाल घाटी से मवाकोट जो कि मालन नदी के मध्य में बनेगा, उसकी मैंने मांग की है कि उसको भी जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो हमारे यहाँ पुराने पुल हैं, झूला पुल हैं, जो कि अब कहीं भी काम में नहीं आते हैं, जिन पर आवागमन बिल्कुल बंद है और जिनके कारण से आपदा आने का खतरा है, उनको भी डिसमेंटल करने की बात की कही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और हमको जो डबराल साहब को जो हमें न्याय दिलवाना है वो अवश्य मिलेगा।